सभी से जय श्री राम। कोरोना के इस महासंग्राम में हम सभी लोग एक साथ जूझ रहे हैं और इस जूझने में एक साथ एकजुट होकर के घर के अंदर रहना एक बहुत बड़ी साधना है। और भारत देश के लोग जब ऐसी साधना करते हैं, चाहे वो ऋषि हो, चाहे साधु संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई एक युवक हो, चाहे कोई बच्चा हो, जब वह अंदर रहता है तो इस साधना से बहुत बड़ा परिणाम होता है। इस महाबीमारी से जूझने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक सलाह दिए हैं कि हर व्यक्ति को अंदर रहना है, तो हम सभी को इस सोच में अपने आप को एकजुट करना है और इस एक जुटता में बहुत बड़ा अच्छा परिणाम होगा। और यह सोच एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत अच्छी सोच है कि 5 तारीख को 9 बजे 9 मिनट तक हमें दीपक जलाना है। भारत देश जब अपने किसी कार्यक्रम का शुभारंभ करता है या कि हमारे लोग जब किसी संकल्प को लेते हैं, किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो दीप जला के करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो यह दीप जलाने की बात कही है तो इसका परिणाम दूरगामी बहुत ही अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दीप के द्वारा हम कोई बहुत बड़ी वस्तु को हासिल करने वाले हैं। यह कोरोना जैसी तुच्छ बीमारियों को एक किनारे करके अपने आप को एकजुट होकर के संघे शक्ति कलौ युगे, संघ में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भगवान श्री राम ने तो छोटे छोटे बंदर भालुओं को इकट्ठा करके रावण जैसे बलवान को भी किनारे कर दिया था। इतनी बड़ी शक्तियाँ होती है। छोटी छोटी चींटियाँ एक बहुत बड़े शिकार को कर लेती हैं। छोटे छोटे लोग एकजुट हो जाएं, एक साथ मिल जाएं, एक संघ में परिणित हो जाएं, तो बहुत बड़े व्यक्ति को, बहुत बड़े सिंह को, बहुत बड़ी शक्ति को भी एकदम किनारे कर देते हैं। इसलिए सभी से मैं आग्रह करूँगा कि एकजुट होकर के रहें। इस समय किसी भी वस्तु को अपने जीवन में न रखें, अपने चित्त में न रखें। मात्र कोरोना से हमें बाहर निकलना है। ऐसे लोग जो समाज में अत्याचार फैला रहे हैं, कोरोना जैसे महामारी को फैला रहे हैं और चाह रहे हैं कि यह भारत बिखर जाए, भारत के लोग त्रस्त हो जाएं, तो उनके इस विचार को, यह सुविचार नहीं, इस कुविचार को एकदम किनारे फेंके और अपने दीप को जला करके उसी दीप में इन कुविचारों को भस्म कर दें और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करें। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि एकजुट होकर के ही सभी को समाज में रहना है और अपने घरों के अंदर रहना है, बिल्कुल बाहर ना निकलें। और 5 तारीख को 9 बजे अपने घरों में दीपक अवश्य जलाएं। वह दीपक कोशिश करें कि घी का दीपक हो, और अगर घी का दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो कोई भी दीप हो, चाहे वह टार्च हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लालटेन हो, चाहे मोमबत्ती हो, कोई भी दीप जला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात का समर्थन अवश्य करें और एकजुटता को प्रदर्शित करें और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करके अपने आप को ऊंचा करें, जिससे कि पूरे विश्व में एक संदेश जाए कि भारत एक साथ है, एक संघ में है और यह कुछ भी कर सकता है। सभी से जय श्री राम।